अरे वहां क्या देख रहे हो? मैं इधर हूँ। हाँ यही। वैसे क्या तुम्हें भी एनिमेशन करना है, वो भी फोन में? तो सही जगह आए हो, बस वीडियो पे एंड तक बने रहना। कैन यू डू एनिमेशन ऑन मोबाइल फोन? इसका सीधा आंसर है हाँ, तुम अपने मोबाइल फोन में अच्छी एनिमेशन कर सकते हो। लेकिन कैसे, ये मैं तुम लोग को आगे चल के बताऊंगा। एंड अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ से अब एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे फिर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी। ओके, सो हमने ये तो जान लिया कि हम मोबाइल में एनिमेशन कर सकते हैं, बट क्या हम डिटो आरजी बकेट लिस्ट जैसे एनिमेशन कर सकते हैं या नहीं? इसका आंसर समझ लो 50-50 है। बिकॉज तुम खुद ही सोचो, जब आरजी पीसी में एनिमेट करता है तब उसे महीने लग जाते हैं, तो तुम अगर फोन से वही चीज करोगे तो तुम्हें सोचो फिर कितना टाइम लगेगा। एनिमेशन क्या है? ऐसे इमेजेस जिसे कि फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ किया जाता है, फिर उसे प्ले करने पर जो इल्यूजन दिखता है उसे हम कहते हैं एनिमेशन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसके जैसे एनिमेशन फोन में नहीं कर सकते, बल्कि तुम उससे और अच्छी भी कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें चाहिए बहुत सारा पेशेंस और बहुत अच्छी ड्रॉइंग स्किल्स। अब मेरी एनिमेशन और आरजी के एनिमेशन में जमीन आसमान का फर्क है, बट मेरा मेन कंटेंट तो गेमिंग का है, तो इसलिए ये डिसेंट एनिमेशन भी चल जाती है। सो नाउ गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक कि तुम भी ऐसी डिसेंट एनिमेशन कैसे कर सकते हो। अब उसके लिए तुम्हें चाहिए दो एप्लीकेशन, काइनमास्टर एंड फोटोपी। अगर तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है और तुम फोन में अच्छी ड्राइंग कर सकते हो और पहले से करते आ रहे हो, तो तुम ऑटोडेस्क स्केचबुक का भी यूज कर सकते हो। बट अगर तुम ये पहली बार कर रहे हो तो फिर तुम फोटोपी का ही यूज करो। मेनली फोटोपी एक ऑनलाइन फोटो एडिटिंग वेबसाइट है, बट तुम इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं प्रीफर करूंगा कि तुम वेबसाइट का ही यूज करो। और काइनमास्टर के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, और एनिमेशन करने के लिए तुम्हें काइनमास्टर के बेसिक्स तो आने ही चाहिए। अगर नहीं आते तो यूट्यूब में उसके हजारों ट्यूटोरियल्स हैं, ज्यादा नहीं तुम्हें 5-10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें सीखने में। अब इन सब चीजों को करने के बाद तुम्हें आ जाना है फोटोपी में। यहाँ पे हम अपना कैरेक्टर डिजाइन करेंगे, तो अब तुम लोग को लेफ्ट कॉर्नर में एक फाउंटेन पेन जैसा आइकन दिख रहा होगा, तुम्हें उस पर टैप करना है। अब ऊपर तुम्हें एक फिल का ऑप्शन मिलेगा, वहां से तुम अपने हिसाब से अपने कैरेक्टर का स्किन कलर चूज कर सकते हो। मेरी मानो तो ऑरेंज से हल्का लाइट कलर ही चूज करना। अब कलर चूज करने के बाद अगर तुम खुद से कैरेक्टर बना सकते हो तो तुम बस लाइन बाय लाइन टैप करते जाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ। सेम ऐसे ही तुम हाथ और कपड़े भी बना सकते हो, बस कलर फिल में कपड़े का कलर चेंज कर लेना। बट अगर तुम्हें कैरेक्टर डिजाइन करना नहीं आता है और तुम इस चीज में बिल्कुल न्यू हो, तो फिर तुम ये तरीके का यूज करके भी अपना कैरेक्टर बना सकते हो। और ये मेथड टाइम सेविंग और एज अ बिगनर के लिए इजी भी है। लेकिन वो तरीका है क्या? उसके लिए तुम्हें गूगल से ऐसे कैरेक्टर का PNG ढूंढना है। तुम्हें बस सर्च करना है एनिमेटेड और इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर, और तुम्हें ऐसे लाखों कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। अब तुम्हें अपने कैरेक्टर का जितना भी पार्ट चाहिए तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, कितना बड़ा पार्ट चाहिए कितना छोटा चाहिए वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद तुम्हें अपने कैरेक्टर के फेस पे थोड़ा जूम करना है, और हेयर्स को छोड़ के फेस का जितना भी आउटलाइन है वहां पे तुम्हें इस फाउंटेन पेन वाले टूल का यूज करके अपने फेस को ड्रॉ करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम्हें बस एक बार टैप करना है और स्ट्रेच करके आउटलाइन से मैच करना है। एंड नोट, आरजी कीर्ति चौक के कैरेक्टर्स को यूज मत करना, नहीं तो फिर हेट के लिए रेडी रहो। एंड टचवुड, मैंने भी अपना कैरेक्टर इसी तरीके का यूज करके बनाया है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये तो कॉपी करना हो गया, तो नहीं, इस मेथड का यूज करके तुम बस बॉडी का स्ट्रक्चर ही बना सकते हो, बाकी की डिटेलिंग तुम्हें खुद ही करनी होगी। ओके, तो हमारा फेस अब रेडी है। मुझे मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं उसे अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। और अगर तुम्हें भी करना हो तो एडिट वाले ऑप्शन में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर लेना, देन यू कैन एडजस्ट योर कैरेक्टर एंड लेयर। अब जैसे तुमने फेस को बनाया है उसी तरह से तुम्हें नेक भी बनाना है। ओके, अब टी शर्ट बनाने के लिए बस तुम्हें फिल्म में जाके अपने टी शर्ट का कलर चेंज करना है। आई प्रीफर येलो कलर ना ही यूज करो तो बेटर होगा, क्योंकि वो अब कॉमन हो गया है।
ओके, अब हमारे कैरेक्टर का फेस एंड बॉडी रेडी है, तो तुम अब तुम्हारे पुराने वाले कैरेक्टर को हाइड कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें उस लेयर पे जाके वो आई वाले आइकन पे टैप करना है। सिंपल। अब आउटलाइंस के लिए तुम्हें फेस वाले लेयर पे डबल टैप करना है। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके स्ट्रोक्स को सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ से कलर में तुम्हें ब्लैक चूज कर लेना है और साइज को तुम 3 से 9 के बीच में रख सकते हो। उससे ऊपर जाओगे तो कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब लगेगा। मुझे यहाँ पे 7 परफेक्ट लग रहा है, तो तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना। अब बाकी के लेयर्स के साथ भी तुम्हें सेम स्टेप्स करने हैं। अब बारी है शेडोज की, तो उसके लिए तुम्हें टॉप में लेयर वाले ऑप्शन में जाना है, फिर न्यू और फिर लेयर। इससे तुम एक न्यू लेयर को ऐड कर सकते हो। अब लेफ्ट बॉटम में तुम्हें कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो तुम्हारे टी शर्ट का जो कलर है उससे थोड़ा डार्क कलर चूज कर लेना। फिर तुम्हें थोड़ा ऊपर एक ब्रश का लोगो दिखेगा, तुम्हें उस पर टैप करना है और अब तुम शेडो बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अभी पहले मैं ये जो अजीब सी लाइन आ गई है मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, अब हम शेडोज बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने टी शर्ट से थोड़ा डार्क कलर भी चूज कर लिया है। अब हम लोग शेडोज ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तुम लोग यहाँ से ब्रश का साइज भी एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ही तुम फेस और बाकी जगह के शेडोज भी बना सकते हो। मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, बट तुम अपने कैरेक्टर पे जितना टाइम दोगे वो और उतना अच्छा लगेगा। अब बारी है हेयर्स की। जैसे तुमने फेस और टी शर्ट बनाया है वैसे तुम हेयर्स भी बना सकते हो, बट मेरे कैरेक्टर के हेयर्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने ये हेयर का यूज किया है। तुम चाहो तो तुम भी ऐसे हेयर्स यूज कर सकते हो, गूगल में तुम्हें ये इजिली मिल जाएगा। मेरे कैरेक्टर पे ये हेयर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, हेयर के बाद अब बारी आती है आईज की। तो ब्रश टूल का यूज करके तुम आईज भी बना सकते हो, बट मैं जिस तरीके से बनाता हूँ उसके लिए तुम्हें इस रेक्टेंगल वाले आइकन पे प्रेस करके रखना है और यहाँ से एलिप्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब तुम्हें फेस पे जैसा शेप मैं बना रहा हूँ सेम वही शेप बनाना है। तुम उस लेयर पे डबल टैप करके इस लेयर को डुप्लीकेट भी कर सकते हो दूसरी आइस के लिए। अब जैसा शेप तुमने अभी बनाया है वैसे ही सेम तुम्हें फिर से बनाना है, बस उसे थोड़ा छोटा होना चाहिए और इसका कलर ब्लैक के जगह तुम्हें व्हाइट करना है। सेम दूसरी आइस में भी करना है। एंड अब आइस भी रेडी है। तुम ब्रश टूल का यूज करके आईब्रोज, ईयर्स और नोज भी बना सकते हो, बट मैं अभी बस आईब्रोज बना रहा हूं, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तुम्हें बस लाइंस ड्रॉ करनी है जब तक तुम्हें परफेक्ट शेप नहीं मिल जाता। ओके, तो हमारा कैरेक्टर अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तुम अगर अपने कैरेक्टर में और इम्प्लीमेंट करना चाहो तो कर सकते लाइक शेडोज, और अगर तुम और अच्छी आईज और आईब्रोज ड्रॉ कर सकते हो तो गो फॉर इट। एंड आफ्टर क्रिएटिंग योर कैरेक्टर तुम लेयर सेक्शन में सबसे नीचे जाके ये जो पीछे तुम्हारा व्हाइट बैकग्राउंड वाला लेयर है उसे हाइड कर देना है। इससे तुम्हारा कैरेक्टर पीएनजी फॉर्मेट में बन जाएगा। अब तुम्हें फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज में पीएनजी सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से सेव कर देना है। पीएनजी ही करना, जेपीजी मत करना, नहीं तो फिर ये पीछे जो चेक है ना ये भी आ जाएगा। ओके, सो कैरेक्टर डिजाइन करने के बाद तुम्हें आ जाना है काइनमास्टर में। अब यहाँ पे तुम्हें इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है और ये 16:9 वाला प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर तुम्हें काइनमास्टर के बेसिक्स आते होंगे तो तुम्हें ये तो मालूम होगा ही कि बैकग्राउंड को कैसे ऐड करते हैं। मीडिया में जाकर जहाँ भी तुमने अपना बैकग्राउंड सेव किया हो उसे ऐड कर लेना है। जैसे तुमने कैरेक्टर बनाया था उसी तरीके का यूज करके तुम बैकग्राउंड भी बना सकते हो। मैंने अभी ऐसे ही रैंडम बैकग्राउंड लिया है। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद तुम्हें लेयर में जाके मीडिया पे जाना है और जहाँ भी तुमने अपना कैरेक्टर को सेव किया है उसे ऐड कर लेना है। अब बारी है माउथ की, तो तुम्हें यूट्यूब में एनिमेटेड ग्रीन स्क्रीन माउथ ढूंढना है। तुम्हें ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम्हें जो बेस्ट लगे उसे डाउनलोड कर लेना। अब तुम्हें अपने माउथ को भी ऐड कर लेना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, उसे तुम्हें इनेबल कर देना है। अब तुम्हें अपने कैरेक्टर के हिसाब से तुम्हें माउथ को रखना है। अब तुम्हारा कैरेक्टर बोल भी पाएगा और अब हमारा एनिमेशन काफी अच्छा लग रहा है। और कैरेक्टर के मूवमेंट के लिए भी तुम सेम चीज कर सकते हो। बस फर्स्ट कैरेक्टर में आउट एनिमेशन में जाके फेड सेलेक्ट करो और 0.5 से नीचे ही रखना। सेम तुम्हें अपने सेकंड कैरेक्टर के साथ करना है, बस इसमें आउट एनिमेशन के जगह इन एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना, फिर फेड एंड 0.5 से नीचे। अब तुम्हारे कैरेक्टर का मूवमेंट थोड़ा स्मूथ लगेगा एंड फाइनली तुम्हारी एनिमेशन कुछ इस तरह लगेगी। अब बस तुम्हें अपने रिजोल्यूशन के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो या, दिस इज हाउ यू कैन डू एनिमेशन ऑन योर मोबाइल फोन। तुम अपनी थोड़ी और क्रिएटिविटी का यूज करके मोबाइल में भी पीसी जैसी एनिमेशन कर सकते हो। और अगर तुम आरजी और कीर्तिजा जैसे एनिमेशन स्टोरी टाइम वीडियो बनाने का सोच रहे हो तो इस मेथड से इजी और उस मेथड की एनिमेशन क्वालिटी मेरे मेथड से बेटर हो तो आई प्रिफर कि तुम उस मेथड को यूज करो, क्योंकि इसमें तुम्हें बैकग्राउंड की, तुम्हारे कैरेक्टर की बहुत अच्छे से डिटेलिंग करनी होगी। बट अगर तुम्हें ये मेथड इजी और टाइम सेविंग लगता है देन तुम इसे भी यूज कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारा मेन कंटेंट भी कुछ और है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंटेंट में एनिमेशन इंक्लूड हो तो फिर तुम डेफिनेटली इस मेथड का यूज करो। एंड अगर तुमने मेरी रीसेंट वीडियो नहीं देखी है तो तुम इसे भी देख सकते हो।